से सुनने की भी शक्ति चाहिए शिक्षाओं को। कभी कभी शिक्षा सुनते सुन ये सोचते कि नहीं ये टू मच हो गया, डोज ज्यादा हो गया। तो अच्छी बातें सुनना उसके लिए भी शक्ति चाहिए कि उसके लिए भाग्य चाहिए, क्या कहें? अच्छी बातें सुनना ये भाग्य की निशानी, और फिर धारण करना उसके लिए शक्ति चाहिए, शिक्षाओं को धारण करने के लिए एनर्जी चाहिए। इसलिए सुनने का भाग्य है, लेकिन फिर भी धारण क्यों नहीं होता लोगों को जब चाहिए हर चीज? क्योंकि शक्ति नहीं है, एनर्जी नहीं है। तो मेडिटेशन से एनर्जी मिलती है, यही है ना, योग से वो ताकत आती है। तो चलो हम बाबा के शब्दों में सुनेंगे। 3-6 मीठे बच्चे, विश्व का मालिक बनाने वाले बाप को बड़ी रुचि से याद करो। याद से ही तुम सतो प्रधान बनेंगे। बाबा कहते बड़ी रुचि से याद करो। इसे याद में तो रुचि होती है ना, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट से ही याद करते हैं कि काम का 1 घंटा पूरा हो जाए, बस वो होता है याद। रुचि से याद होता है, प्यार से याद होता है, काम पूरा काम के हिसाब से याद होता है। कभी कभी बाबा से कुछ काम कराना है तो भी अच्छा याद होता है, दोनों बातें। लेकिन क्वालिटी कौन सी होनी चाहिए? बाबा कहते बड़ी रुचि से, बड़ा प्यार से। और जब प्यार और रुचि होगी तो काम तो करेगा ही ना भगवान, भगवान तो बैठा ही है उसके लिए। जब कोई ताकतवान शक्तिवान हमारे साथ है, उसकी महसूसता होती है, तो मतलब उसके साथ मेरा अच्छा जेलिंग चलती है। तो वो मेरे को जब टाइम है तो मतलब मेरे काम पड़ता है तो या काम करेगा ही, इसलिए बाबा कह रहे हैं। अच्छा प्रश्न है, किस एक बात पर पूरा ध्यान हो तो बुद्धि के कपाट खुल जाएंगे? किस एक बात पर पूरा ध्यान हो तो बुद्धि के कपाट खुल जाएंगे? कौन सी बात पर ध्यान चाहिए आज बाबा? एक अच्छा बेसिक बात पर हुशारत करा रहे, याद दिला रहे, अटेंशन खिंचवा रहे। बोलो, सभी बोलो। मुरली सुनने का। भगवान पढ़ा रहे इस बात पर। हाँ, कौन की किसकी पढ़ाई है, किसकी स्टडीज है? अच्छा, और भगवान पढ़ाते हैं, एक्चुअली यही आंसर है। अमृत पी रहे हैं। तो बाबा ने कहा पढ़ाई पर ध्यान हो। किसी को भी अवेकनिंग लानी है ना भाई, इसको समझ आ जाए, केवल उसको मुरली से कनेक्शन जुड़ जाना चाहिए। अगर मुरली में कह दिया है तो ऑटोमेटिक वो हिट होती है आत्मा को। बाबा ने कहा कपाट खुल जाए, उसके लिए चाहिए पढ़ाई पर ध्यान। भगवान पढ़ाते हैं इसलिए कभी भी पढ़ाई मिस नहीं होनी चाहिए। जब जहां तक जीना है वहां तक अमृत पीना है, पढ़ाई में अटेंशन देना है, एब्सेंट नहीं होना है, और क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए पढ़ाई के लिए? पढ़ाई में अटेंशन देना है, एब्सेंट नहीं होना है, दो और बातें हैं, वो मुरली से फाइंड आउट करना। दो का हिंट दे दिया, दो मुरली से फाइंड। एक्यूरेट किसको आती है? पढ़ाई से कनेक्टेड है। अच्छा, ओम शांति। शिव भगवान उवाच, सालिग्रामो प्रति। यह तो सारे कल्प में एक ही बार होता है, यह भी तुम जानते हो और कोई जान भी न सके। मनुष्य इस रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को बिल्कुल नहीं जानते। तुम बच्चे जानते हो कि स्थापना में क्या, बाबा कहते हैं स्थापना में विघ्न तो पड़ने ही है। कई कहते ना कैसे सेंटर पर कैसे विघ्न पड़ते हैं,
या जो ज्ञान में चलते उनको क्यों विघ्न पड़ते हैं, और विशेषकर शुरू शुरू में चलते तो बहुत विघ्न पड़ते हैं, चाहे वो सेंटर हो। तो बाबा क्या कह रहे, स्थापना में ये हमारा यज्ञ का स्टाइल ही रहा ना, स्थापना में विघ्न तो पड़ना ही है। इसको कहा जाता है ज्ञान यज्ञ। बाप समझाते, इस पुरानी दुनिया में तुम जो कुछ देखते हो वह सब स्वाहा हो जाना है। बाप समझाते हैं इस पुरानी दुनिया में तो फिर उसमें ममत्व नहीं रखना चाहिए। बाप आकर पढ़ाते हैं नई दुनिया के लिए, यह है पुरुषोत्तम संगम युग, यह है विशियस और वाइसलेस का संगम, विशियस और वाइसलेस का संगम, बीच वाला युग, जबकि चेंज होनी है। तो इसलिए यहाँ संगम का मतलब ये इसका और इसका संगम है, इसलिए दोनों टाइप के परिस्थितियां आत्माएं मिलेगी, बहुत अति वाली एक तरफ, नेगेटिविटी की भी अति, करके बहुत कुछ करके भी उनको फील नहीं होता है, मतलब करके उसका रिजल्ट मिलके भी कोई एक आत्मा में एक फील आ जाए वो भी नहीं। और यहाँ दूसरी तरफ ऐसी आत्माएं, बस कोई का और का हो रहा है, बाबा कहते हैं कल का ना इष्ट देव है, तुमको महसूस नहीं होती है, उनके दुख को भी हम फील कर रहे हैं, उनके जो मेरे से कनेक्टेड नहीं है उनको भी कैसे हम सॉल्व करें। तो एक तरफ ये वाइसलेस और एक तरफ है विशियस, इसलिए बाबा कहते हैं यह है विशियस और वाइसलेस का संगम, जबकि चेंज होनी है। नई दुनिया को कहा जाता है वाइसलेस वर्ल्ड, आदि सनातन देवी देवता धर्म ही था, यह तो बच्चे जानते हैं, पॉइंट समझने की है। बाप रात दिन कहते रहते हैं बच्चे तुमको गुह्यते गुह्य बातें सुनाता हूं, जहां तक बाप है जब तक बाप है डैश चलते रहना है। क्या हो, पढ़ाई पढ़ाई चलनी ही है, चलेगा ना, रोज मुरली चले संगम युग के एंड तक। हाँ, नहीं तो फिर क्या करेंगे, सुबह सुबह उठते ही फिर करेंगे क्या, योग कितना करेंगे, चलनी है ना। तो जब तक बाप है, जहां तक बाप है पढ़ाई चलनी है, फिर पढ़ाई भी बंद हो जाएगी। इन बातों को तुम्हारे सिवाय कोई भी नहीं जानते, तुम्हारे में भी नंबर वार है जो फिर बाप दादा ही जानते हैं, कितने गिरते हैं कितनी तकलीफ होती है। ऐसे नहीं सदैव सभी पवित्र रह सकते हैं, अच्छा पवित्र नहीं रहते तो फिर सजाएं खानी पड़ती है, माला के दाने ही पास विद ऑनर्स होते हैं, फिर प्रजा भी बनती है। ये बहुत समझने की बातें हैं, तुम कोई को भी समझाओ तो वह समझ थोड़ी सकते हैं, टाइम लगता है। सो भी जितना बाप समझाती है उतना तुम नहीं समझा सकते, रिपोर्ट आदि जो आती है उनको बाप ही जानते हैं, फलाना विकार में गिरा ये हुआ, रिपोर्ट आती है ना बाबा के पास सब सेंटरों की, नाम तो नहीं बता सकते हैं, अच्छा नाम बताए तो फिर उनसे कोई बात करना भी पसंद नहीं करेंगे, अरे ये पहले तो बहुत चलता था अभी ऐसे कर लिया, सब नफरत की दृष्टि से देखेंगे, दिल से उतर जाएंगे। बाबा को पता है, बाबा नहीं बताते, सारी की कमाई चट हो जाती है, ये तो जिसने धक्का खाया है वह जाने या बाप जाने, ये बड़ी गुप्त बातें हैं। तुम कहते हो फलाना मिला, उनको बहुत अच्छा समझाया, वह सेवा में मदद कर सकते हैं, परंतु वह भी जब सम्मुख हो ना, समझो गवर्नर को तुम अच्छी तरह समझाते हो, परंतु वह थोड़ी किसको समझा सकेंगे, कोई को समझाएंगे तो मानेंगे नहीं, जिसको समझने का होगा वही समझेगा। मतलब वैसे तो इस तरह से गवर्नर इनको समझाते हैं तो ऑफ कोर्स वो वैसे तो नहीं बताएंगे, लेकिन वो उनको पता तो चलता है
तो वो ऑर्गेनाइज करते प्रोग्राम्स, ये मैक्सिमम। ये चन्ना रेड्डी था ना राजस्थान का गवर्नर, तो उनका वेकेशन होता है समर वेकेशन, तो वो आबू माउंट आबू के हिल स्टेशन पर उनका वो एक एक स्थान होता है ना, तो वहां वो रहते थे एक एक महीना। तो फिर इसलिए दिल हुई, पहले से सेवा की हुई थी वहां जब हैदराबाद में थे, जब यहाँ वेकेशन में आए तो फिर उनकी दिल हुई कि मुझे सुनना है। अब सुनना है तो वहां माउंट आबू वहां सेंटर पे जाए, मतलब मधुबन जाए सुनने या वहां जाए, ये भी एक क्वेश्चन था। तो फिर दादी को बोला, तो दादी फिर ऐसे अलाउड नहीं होता है ना रोज गवर्नर, क्योंकि उसी स्टेट का गवर्नर है, फिर तो अच्छा नहीं लगेगा। तो दादी ने कहा ठीक है आपके पास भेजेंगे। तो उषा बेन को भेजा उनके पास, चन्ना रेड्डी को। और हाँ उषा बेन 1 मंथ गई उसको क्लास कर, बाबा का पक्का बच्चा बनाया उसको। हाँ बहुत ऑन टाइम थे। हाँ उन्होंने दी ना, फिर उन्होंने हेल्प की थी। तो मतलब बाबा ने कैसे, वो भी सर जमीन का तो आप लोगों को सुनाया कितना मैजिकल ये था, पीरियड था जब जमीन मिली थी। तो बाबा कहते हैं तो समझो गवर्नर को तुम अच्छी तरह समझाते हो, परंतु वह थोड़ी किसको समझा सकेंगे, जिसको समझने का होगा वही समझेगा, दूसरे को थोड़ी समझा सकेंगे। तुम बच्चे समझाते हो कि यह तो कांटों का जंगल है, इसको हम मंगल बनाते हैं, मंगलम भगवान विष्णु कहते हैं ना, ये श्लोक आदि सब भक्ति मार्ग के हैं। मंगल तब होता है जब विष्णु का राज्य होता है, विष्णु अवतरण भी दिखाते हैं, बाप ने सब कुछ देखा हुआ है, अनुभवी है ना, सभी धर्म वालों को अच्छी तरह जानते हैं, बाबा को साक्षात्कार सब कुछ हुआ है, विष्णु चतुर्भुज का साक्षात्कार हुआ, और किसी को भी दूसरा जो विष्णु श्री कृष्ण के और सत्यु के तो बहुतों को हुआ, विष्णु चतुर्भुज का साक्षात्कार और किसको हुआ, चलो जिन्होंने यज्ञ सुना हो, यज्ञ हिस्ट्री अच्छे से सुना हो, बोलो कहाँ है किरण बहन, किरण बहन यज्ञ हिस्ट्री की छात्रक है, विष्णु चतुर्भुज का साक्षात्कार किसको हुआ, एक्सेप्ट अदर देन बाबा नहीं। दादी प्रकाशमणि को हुआ था जो नहीं नहीं वो तो श्री कृष्ण को हुआ था, नहीं, जिनको बाबा के थ्रू हुआ था। ब्रिजेंद्र मतलब नहीं, हाँ वो नहीं था, वो स्टोरी है वो नहीं। हाँ वो राइट, एक व्यक्ति उस समय उसको हुआ, और बहुत अच्छा, एक और को हुआ था, शांतामणि दादी नहीं कोई और थी, वो राइट होगा, हृदय पुष्पा दादी के फादर, उसको जब बाबा के सामने गए तब उनको विष्णु चतुर्भुज का साक्षात्कार हुआ। चाहिए, हमने नहीं पढ़ा। बहुत बार बताया दादी ने कैसे, फिर वो फिर हृदय पुष्पा दादी आई ना उसके बाद, वो विधवा, हाँ, और दूसरा वो भाई बाबा हमेशा जिसको किसने कोर्स कराया था, वो हृदय पुष्पा दादी थी, उसको वो कोर्स कराती थी ना, दादी का नाम नहीं याद आ रहा, और फिर अच्छा बाद में ये दीदी तब की बात है कि जब वो उनके भाई की डेथ हो गई थी, उनकी माँ रोती रहती थी हाँ उस हाँ समय। ओके नहीं नहीं ओके उसकी बेटी के दामाद की ना, हृदय पुष्पा दादी तो शादी हो गई थी ना, तो वो हाँ, पर विडो हो गई थी ना, उनके घर में और डेथ हो गई थी तो उनकी माँ रोती रहती थी, तब हाँ फिर ये बाबा मतलब माँ उनके घर पर इसलिए आए रोती थे। रहती हाँ थी ये बेटी के दामाद के लिए, तब नहीं, बेटा भी चला गया था इसके लिए। बेटा भी अच्छा। चला गया था, एक ही बेटा था। तो तब मैं इनमें प्रवेश करता हूँ। तो बाबा कहते हैं बाप जिस तन में आएंगे तो उसकी पर्सनालिटी भी चाहिए ना, बहुत अनुभवी रथ चाहिए,
पर्सनालिटी भी तो चाहिए, 6 फुट के बाबा, और एकदम स्ट्रेट बैठते थे, योग में बैठते थे नीचे, फोल्डेड लेग्स, कभी भी चेयर पे नहीं बैठे बाबा, पर्सनालिटी बाबा की। तब कहते हैं बहुत जन्मों के अंत में, जबकि यहाँ का बड़ा अनुभवी होता है, तब मैं इनमें प्रवेश करता हूँ। वह भी साधारण पर्सनालिटी का, यह मतलब नहीं कि राजा रजवाड़ा हो, नहीं, इनको तो बहुत अनुभव है, इनके रथ में मैं आता हूं। वो भी क्या क्राइटेरिया है ब्रह्मा के रथ में आने का? जयनाथ भाई बोलो, क्राइटेरिया क्या चाहिए ब्रह्मा के रथ में आने का? मतलब रिक्विजिट। ये दोनों हो गया मेन, जो वो स्टेटमेंट बाबा हमेशा, बहुत जन्मों के अंत के भी अंत में, उस जन्म का भी उसका लास्ट फेज होना चाहिए। 60 मतलब 60 तो लगी लाठ बोलते हैं ना, ये फेज है। तुमको समझाना पड़े, ये राजधानी स्थापन होती है तो इनके रथ में आता हूं बहुत जन्मों के अंत में। माला बनती है, ये राजधानी कैसे स्थापन हो रही है, कोई राजा रानी कोई क्या बनते हैं, ये सब बातें एक ही दिन में तो कोई समझ नहीं सकता। बेहद का बाप ही बेहद का वर्षा देते हैं, भगवान आकर समझाते, सो भी मुश्किल थोड़े पवित्र बनते हैं। ये भी समझने में टाइम चाहिए, कितनी सजाएं खाते हैं, सजाएं खाकर भी प्रजा बनते हैं। बाप समझाते, एक तो थप्पड़ मारो और फिर छोटा सा पद, कुछ और छोटे से रो मोचरी मिल जाए, क्या बाबा का स्टेटमेंट है? मानी खाके, हाँ मोचरा खाके मानी मिले। ये है तो बाबा कहते हैं बच्चे तुम, ये भी समझने में टाइम चाहिए, कितनी सजाए खाते हैं, सजाए खाकर भी प्रजा बनते हैं। बाप समझाते, बच्चे तुम्हें बहुत बहुत मीठा बनना है, कोई को दुख नहीं देना है। बाप आते ही है सबको सुख का रास्ता बताने, दुख से छुड़ाने, तो फिर खुद किसको कैसे दुख देंगे? दुख हरता सुख करता है ना उसका टाइटल, किसी को कोई टाइटल मिले पद्म विभूषण वो और उसके लायक ही ना हो तो फिर तो रॉन्ग हो गया ना। इतना बड़ा प्रेस्टिजियस टाइटल, और देने वाला भी कौन है उसको? रिकमेंड किया जाता है, राष्ट्रपति देता है, और एक्चुअली वो फेक निकले, तो ऐसे तो नहीं मिलेगा ना। दुख हरता सुख करता टाइटल है, और कहते भगवान दुख देता है, ये कौन उठा के लेके गया? भगवान लेके गया मेरे बच्चे को। तो ये सब बातें तुम बच्चे ही जानते हो, बाहर वाले बड़ा मुश्किल समझते हैं। जो भी संबंधी आदि है उन सबसे ममत्व तोड़ देना है, घर में रहना है परंतु निमित्त मात्र। ये तो बुद्धि में है कि ये सारी दुनिया खत्म हो जानी है, परंतु ये ख्यालात भी किसको रहता नहीं है। तो जो अनन्य बच्चे हैं वह समझते हैं, वह भी अभी सीखने का पुरुषार्थ करते रहते हैं, बहुत फेल भी हो पड़ते हैं, माया की चक्री बहुत चलती है, वह भी बड़ी बलवान है, परंतु ये बातें और कोई कुछ थोड़ी समझा सकते हैं। तुम्हारे पास आते हैं, समझना चाहते हैं यहाँ क्या होता है, इतनी रिपोर्ट्स आदि क्यों आती है। अब इन लोगों की तो बदली होती रहती है, तो फिर एक-एक को बैठ समझाना पड़े, जो भी एरिया में अथॉरिटीज है उनको जरूर ज्ञान दो, पता तो चले उनको। जैसे हमारा नियम है, पुलिस स्टेशन है, जो भी एसोसिएशन है वहां की एरिया की, वहां पूरा क्लियर होना चाहिए ये क्या कर रहे हैं। ओ आपको पता है ना पुलिस स्टेशन में भी सेवा चल रही है, वहां भी विदिन शिवाज, दो अरे गोली अपना खा सिया लिए? तो उसमें दो शिवाज दवाई लिखो। दिन में प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया, और कितने थे? 100 100 थे, 2 दिन में उसने ऑर्गेनाइज किया, तो एकदम बहुत लगन है उनकी। तो बाबा कहते हैं तो जो भी है, तो यहाँ क्या होता है, इतनी रिपोर्ट्स आदि क्यों आती है,
अब इन लोगों की तो बदली होती रहती है, तो फिर एक एक को बैठ समझाना पड़े, ऑफिसर्स आदि की बदली होती है ना, फिर कहते ये तो बड़ी अच्छी संस्था है, राजधानी के स्थापना की बातें बड़ी गुह्य गोपनीय है, बेहद का बाप बच्चों को मिला है, तो बच्चे कितना हर्षित होना चाहिए, हम विश्व के मालिक देवता बनते हैं, तो हमारे में दैवी गुण भी जरूर चाहिए, एम ऑब्जेक्ट तो सामने खड़ी है, यह है नई दुनिया के मालिक, ये तुम ही समझते हो, हम पढ़ते हैं, बेहद का बाप जो नॉलेज फूल है वह हमको पढ़ाते हैं, अमरपुरी अथवा हेवन में ले जाने के लिए हमको यह नॉलेज मिलती है, आएंगे वही जिन्होंने कल्प कल्प राज्य लिया है, कल्प पहले मुआफिक हम अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हैं, ये माला बन रही है नंबर वार, जैसे स्कूल में भी जो अच्छा पढ़ते हैं उनको स्कॉलरशिप मिलती है ना, वह हद की बातें तुमको मिलती है, बेहद की बातें, जो तुम बाप के मददगार बनते हो वही उच्च पद पाते हो, वास्तव में तो मदद अपने को ही करनी होती है, पवित्र बनना है, सत्तो प्रधान थे फिर से बनना है जरूर, बाप को याद करना है, उठते बैठते चलते बाप को याद तो कर सकते हो, जो बाप हमको विश्व का मालिक बनाते हैं तो बच्चे उनको बहुत रुचि से याद करना है, किसको लगता है कि अमृत वेला मतलब एक इंटरेस्ट से हो गया, टाइम हो गया उठना है बाबा को याद करना, इंटरेस्ट से कौन उठता है, इंटरेस्ट से एक होता है नियम प्रमाण, नियम इंटरेस्ट और प्यार दोनों एक हो गया, कौन इंटरेस्ट से उठता है, नियम प्रमाण नहीं, अच्छा है, अच्छा तो फिर बाकी जो हाथ नहीं उठा रहे क्या कहेंगे, हाँ दीदी, गुड मॉर्निंग करने का बहुत शौक रहता है सुबह 4 बजे, अच्छा गुड मॉर्निंग करके थोड़ा फिर देर सो, करते फिर सो जाती हूँ मैं, नियम प्रमाण नहीं पंद्रह नहीं इंटरेस्ट वाला है, बीस मिनट करती हूँ। नहीं ये नहीं है, अभी कल आ रहा है ना मम्मा डे, ऐसा नहीं, क्या हाँ फर्क पड़ता है, हाँ मेरा प्रॉब्लम है दीदी इसमें, अच्छा, नहीं, प्रॉब्लम सॉल्व करना ही अमृत वेला है, ये नहीं 45 मिनट्स का कोई प्रॉब्लम नहीं, उठ के एक बार चक्कर लगाओ फिर बैठो, क्या प्रॉब्लम, नहीं मतलब नहीं, कुछ न कुछ गड़बड़ है, कोई ना कोई दिनचर्या में गड़बड़ है, अगर उठने में दिक्कत होती है ना, अमृत वेले उठने में दिक्कत उन्हीं को होती है जिनका पहले दिन का दिनचर्या में कहीं ना कहीं गड़बड़ है, नहीं बाबा दीदी, को दवाई बोलो, लेके सोते हैं मेरे को तो उससे अच्छा थोड़ी देखो प्रॉब्लम होती। इंटरेस्ट है जिनको लगन है, 21 दिन कल से अमृत वेला मुरली क्लास, हाँ इतना सा मम्मा का फॉलो करना है, आप रात को बाबा को बोल के सो, बाबा उठाओ, बाबा आपको उठाना है, 5 मिनट कंटिन्यूअसली रटो, पीछे पढ़ो बाबा को, अगर किसी को भी प्रॉब्लम है, और बाबा मुझे रुचि से याद करना है, ये भी बोलो बाबा मुझे आपसे प्यार से याद करना है, बोलो कर सकते हैं, आज ट्राई करना, पीछे लिटरली मन में ना बातें ऐसे ऐसे करते करते सो जाओ, और अगर बाबा ना उठाए तो कल से मुरली नहीं बंद पड़ेगी, हो नहीं सकता है, हमारा बहुत अनुभव है, चाहे हम 1 बजे सोते हैं कभी 2 बजे सोते हैं, हाँ एग्जैक्ट, नहीं, ये नहीं, ये अमृत वेला नहीं हो, हाँ अब बन गया ना, हाँ ये नहीं, जब उठा तब अमृत वेला, ये नहीं, कल 21 दिन करना है, करेंगे क्योंकि कल सीवियर थोड़ा हम चार्ट भी होगा कल से, तो बाबा कह रहे हैं रुचि से बाबा को याद करना है, रुचि से याद करने वाली की एक और निशानी होगी, दिल करेगा चाहे बैठ जाए, बस अब दिल इच्छा होती है कि बैठ जाओ, बहुत काम भी है नहीं, 10 मिनट ही जाके बाबा के पास बैठ जाओ, ऐसे दिल करे तो बाबा कहते हैं, जैसे स्कूल में भी जो अच्छा पढ़ते हैं उनको स्कॉलरशिप मिलती है, तो
वह है हद की बातें, तुमको मिलते बेहद की बातें, उठते बैठते चलते बाप को याद कर सकते हो। जो तुम बाप के मददगार बनते हो वही उच्च पद पाते हैं। वास्तव में तो मदद अपने को ही करनी है, परंतु माया छोड़ती नहीं है, अनेक प्रकार की किस्म किस्म की रिपोर्ट्स लिखते हैं। बाबा हमको माया के विकल्प बहुत आते हैं। बाप कहते युद्ध का मैदान है ना, पांच विकारों पर जीत पानी है। बाप को याद करने से तुम भी समझते हो हम सत्वप्रधान बनते हैं। बाप आकर समझाते हैं, भक्ति मार्ग वाले कोई भी जानते नहीं है, ये तो पढ़ा ही है। बाप कहते तुम पावन कैसे बनेंगे, तुम पावन थे फिर बनना है, देवता पावन है ना, बच्चे जानते हम स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, भविष्य में फिर सूर्यवंशी राज्य में आएंगे, उसके लिए पुरुषार्थ भी अच्छे रीति करना है। सारा मार्क्स के ऊपर मदार है। युद्ध के मैदान में फेल होने से चंद्रवंशी में चले जाते हैं। उन्होंने फिर युद्ध का नाम सुन तीर कमान आदि दे दिए हैं। क्या वहां बाहुबल की लड़ाई थी जो तीर कमान आदि चलाए? युद्ध का मैदान बाबा ने कहा, किसके लिए कहा युद्ध का मैदान? हिमा बेन बोलो, जो बाबा रोज कहते हैं ना युद्ध का मैदान है, युद्ध का मैदान है, कौन सा मैदान है युद्ध का? नहीं बताए, नहीं शरद भाई, युद्ध का मैदान बाबा रोज कहते तो क्या होगा, कौन सा मैदान? ये वाला। इधर है ना, युद्ध चलती है, जाऊं नहीं जाऊं, उठूं नहीं उठूं, ये करूं वो करूं, युद्ध, दो दो चीजों का युद्ध चलता है। तो बाबा कहते उन्होंने तो तीर अच्छा कमान आदि बता दिया, ऐसी कोई बात, ऐसे कोई लड़ाई करेंगे क्या? अच्छी आत्माएं, कोई थोड़ा कोई बोलता है तो जोर वापस बोलना भी, जो अच्छी समझता समझदार सोल है ना उस समय बोलेगी नहीं। कोई दादी दादियों का क्या स्टाइल था, कोई बहुत बोल रहा है, बोल रहा है एकदम चुप, मतलब बोलना तो दूर, झगड़े वाले बोल तो दूर की बात है, लेकिन इवन बोलना नहीं है, तो क्या तीर कमान चलाएंगे? अच्छी आत्मा है, लॉजिकली सोचने की बात है, तो ऐसी कोई बात है नहीं। आगे बाणों की लड़ाई चलती थी, इस समय तक भी निशानियां हैं, कोई कोई चलाने में बहुत बड़े होशियार होते हैं। अब इस ज्ञान में लड़ाई आदि की कोई बात ही नहीं है। तुम जानते हो शिव बाबाई ज्ञान का सागर है जिनसे हम ये उच्च पद पाते हैं। अब बाप कहते देह सहित देह के सभी संबंधों से ममत्व तोड़ना है, यह सब पुराना है, नई दुनिया गोल्डन एजेड भारत थी, कितना नाम मशहूर था, प्राचीन योग कब और किसने सिखाया है किसको पता नहीं है, जब तक खुद ना आकर समझाए यह है नई चीज। कल देखो, जब तक खुद आकर ना समझाए किसी के प्रति, कोई बात चल रही होती है, सपोज कोई अच्छी सेलिब्रिटी है, उसकी बात चल रही है चल रही है, एक के पीछे फिर अफवाह, फिर ऐसा, फिर ऐसा, फिर ऐसा, कई सारी बातें। जितनी बातें जितनी सुनेंगे उतना कुछ नई नई स्टोरी निकलती रहती, अब वो क्लियर कौन करेगा, कौन करेगा? वो खुद आके क्लियर वो खुद करेगा, आकर खुद उसको क्लियर आकर करे, और वो जितना उसको। एग्जैक्टली क्लियर करेगा ना, और कोई कर नहीं सकता है। तो 2500 साल तक परमात्मा के बारे में कितनी सारी बातें, ऐसे है ऐसे है, कोई ऐसे है, इसलिए बाबा कहते मैं खुद आकर अपना परिचय देता हूं, जब तक खुद ना आकर समझाए यह है नई चीज। कल्प कल्प जो होता आया है वही फिर रिपीट होगा, उसमें फर्क नहीं पड़ सकता। बाप कहते हैं अब ये अंतिम जन्म पवित्र रहने से फिर 21 जन्म तुमको कभी अपवित्र नहीं होना है। बाप कितना अच्छी रीति समझाते, फिर भी सब एक रस थोड़ी पढ़ते हैं, रात दिन का फर्क है। आते हैं पढ़ने के लिए, फिर थोड़ा पढ़कर गुम हो जाते हैं। जो अच्छी रीति समझते वो अपना अनुभव भी सुनाते हैं। जो अच्छी रीति समझते हैं क्या अनुभव सुनाते हैं?
कि कैसे हम आए, फिर कैसे हमने पवित्रता की प्रतिज्ञा की। सबके आने की मुझे लगता है रोचक स्टोरीज होगी ना, यहाँ आने का कोई इंटरेस्टिंग स्टोरीज होती है। मैं ऐसे ही पास हो रहा था, फिर ऐसे देखा कोई, मतलब अपनी अपनी न्यू विशेष, कोई मुझे इतनी बड़ी प्रॉब्लम हुई तो किसी ने कहा चलो, तो मैं खाली आके बैठ के बातें कर बात करने आया एक्सेट्रा। तो बाबा कहते हैं तो जो अच्छी रीति समझते वह अपना अनुभव भी सुनाते, कैसे हम आए, फिर कैसे हमने पवित्रता की प्रतिज्ञा की। बाप कहते पवित्रता की प्रतिज्ञा कर, फिर एक बार भी पतित बना तो की कमाई चट हो जाएगी। फिर वह अंदर में खाता रहेगा, किसको भी कह नहीं सकेंगे कि बाप को याद करो। मूल बात तो विकार के लिए पूछते हैं, तुम बच्चों को यह पढ़ाई डैश पढ़नी है रेगुलर पढ़नी, तक, रोज अच्छा रेगुलर रोज पढ़नी, पढ़नी रेगुलर पढ़नी है। ठीक है, आज कम कैसे है, जो नहीं आ रहे वो पढ़ रहे हैं घर में। है, हाँ, पढ़ाई रेगुलर पढ़नी है, करनी आ गए वो मार्क्स मिल गया तो फेल। तो एक तो रेगुलर पढ़नी है। बाप कहते हम, मैं तुमको रोज नई नई बातें सुनाता, ओल्ड बातें है क्या कोई, वही वही बातें लगती है क्या। हम लोग स्टडी करते थे तो वही चैप्टर रिवाइज करते थे ना, तो कभी बोला तो नहीं कि वही वही तो पढ़ाई है क्या, रोज स्कूल में क्या जाना, वही वही करते थे ना, कितनी बार रिवीजन होता था, प्रिलिमिनरी एग्जाम्स होते थे। पढ़ाई है ना, पढ़ाई मतलब ही रेपिटेशन, अगर लगता भी है न्यू। वैसे बाबा रोज नई नई बातें सुनाते, तुम हो स्टूडेंट, तुमको भगवान पढ़ाते हैं, भगवान की तुम स्टूडेंट हो, ऐसे ऊंचते ऊंच पढ़ाई को तो फिर और क्या क्वालिटी होनी चाहिए, एक दिन भी मिस नहीं करना चाहिए। ठीक है, आदि से अंत तक, जब से ज्ञान लिया तब से मुरली नहीं मिस की, ऐसे है महावीर महारथी आत्माएं। एक दो नहीं तो पूरे दिन में नहीं पढ़ी मुरली। हाँ पूरे दिन में तो पढ़ी ना, हाँ तीन, वंडरफुल, जब से ज्ञान लिया तब से, वंडरफुल, चार पांच छह, वंडरफुल। अच्छा महारथी बहुत है, क्या दीदी। हुआ आप मैं भी सभी, हूँ, मैं भी हूँ। कल मुरली भी नहीं पढ़ी, ये देखो इसलिए बाबा ने पकड़ लिया, मुरली तो पढ़ो अगर नहीं आ पाए तो। ठीक है, 21 दिन आज से मुरली मिस नहीं करनी है। तो बाबा कहते हैं अच्छे अच्छे महारथी भी, देखो एक दिन भी मुरली न सुनी फिर तो एब्सेंट पड़ जाती है, मुरली नहीं पड़ी तो क्या हुआ, सुन सॉरी, बाबा कहते अच्छे अच्छे महारथी भी मुरली मिस कर देते, वह समझते हैं मुरली मिस करने का रीजन, हम तो सब कुछ जानते हैं, मुरली नहीं पड़ी तो क्या हुआ, पता तो है ही। अरे एब्सेंट पड़ जाएगी, नापास हो जाएंगे। बाप खुद कहते रोज ऐसे अच्छे अच्छे पॉइंट सुनाता हूँ, बाबा कहते मैं इतना नई नई पॉइंट सुनाता हूँ, अच्छी अच्छी पॉइंट, अच्छी नहीं है पर इंटरेस्टिंग है ना। हाँ जो समय पर समझाने में बहुत काम आएगी, नहीं सुनेंगे तो फिर कैसे काम में लाएंगे, जब तक जीना है। कब तक का कॉन्ट्रैक्ट है हमारा, हाँ जब तब तक तक पढ़ना जीना है, है, जब तक जीना है तब तक पढ़ना है, ज्ञान उसी का वाला नाम बनना है। धारण बस करना है। पहले प्यार प्यार से बाबा चलाता है, फिर बाद में आदत हो जाती है, यही तो ह्यूमन साइकोलॉजी कैसे वर्क करती है। कहीं भी लोग अगर शराब भी पीने लगे तो पहले क्या होता था, पीयर प्रेशर, प्यार प्यार, और उसके बाद आदत पड़ जाए। तो बाबा भी ये ज्ञान अमृत पिलाते हैं, एब्सेंट तो बच्चे कभी भी नहीं होना चाहिए। सुना, यहां वहां से ढूंढ कर कोई से लेकर भी मुरली पढ़नी चाहिए,
ये तो तब की बात है, आजकल तो क्लिक ऑफ द माउस, खाली टाइप करो मुरली और आ जाएगी मुरली, फिर भी मिस होती है। ये नहीं होनी चाहिए, अपना घमंड नहीं होना चाहिए। अरे भगवान बाप पढ़ाते, उसमें तो एक दिन भी मिस नहीं होना चाहिए। ऐसी ऐसी पॉइंट्स निकलती है जो तुम्हारा व किसी का भी कपाट खोल सकता है। वही बात उस दिन इतनी हिट कर सकती है। कभी कभी अनुभव किया है ना सभी ने, कि वैसे तो रोज ही सुनते पर पता नहीं वो बात उस दिन मुझे कैसे लगी, इसलिए मिस नहीं करनी चाहिए। आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, कैसे पाठ चलता है, इसे समझने में टाइम चाहिए। पिछाड़ी में सिर्फ यही याद रहेगा कि अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, परंतु अभी समझाना पड़ता है। पिछाड़ी की यही अवस्था है, बाप को याद करते करते चले जाना है। याद से ही तुम पवित्र बनते हो, कितना बने हो सो तुम समझ सकते हो। इम्प्योर को बल जरूर मिलेगा। मुख्य आठ रत्न ही है जो पास विद ऑनर हो जाते हैं, वो कुछ भी सजा नहीं खाते हैं। आठ रत्न, कुछ भी सजा नहीं। ये बड़ी महीन बातें हैं, कितनी ऊंची पढ़ाई है। स्वप्न में भी नहीं होगा कि हम देवता बन सकते हैं। ऐसे हम रियली, वैसे जो देवियों की आराधना करते हैं, कल बाबा ने कहा ना इष्ट देव की पुकार सुनाई देती है, हम देवता बन सकते हैं। बाप को याद करने से तुम पद्मा पदम भाग्यशाली बनते हो। इसके सामने तो वो धंधा आदि कुछ भी काम का ही नहीं है, कोई भी चीज काम आने वाली नहीं है, फिर भी करना तो पड़ता ही है ना। ये कभी ख्याल में नहीं आना चाहिए कि हम शिव बाबा को देते हैं। अरे तुम तो पद्मा पद्म पति बनते हो, देते हो या लेते हो, देते हैं या इन्वेस्ट करते हैं, देते हो या बाबा को बाइंड करते हैं। देने का मतलब क्या है, लोग बाबा को रिश्वत बाइंड करते हैं, बाबा को बाइंड करते हैं, बोला क्यों नहीं लेते, बोला मैं तो बाउंड बाइंड। हम बाबा को बाइंड करते हैं और प्लस देते हैं, ये एक्चुअली हम देते भी नहीं है। हाँ उसी की चीज में से उसी को दिया, क्या दिया, बच्चे कहेंगे पेरेंट्स की प्रॉपर्टी में मैंने एक कमरा दिया बा पेरेंट्स को रहने के लिए, उनकी प्रॉपर्टी थी, बोला एक कमरा उनके लिए मैंने दिया, उसका बहुत ज्यादा फीलिंग है, मैंने मेरे पेरेंट्स के लिए एक कमरा दिया मैंने। क्या कहेंगे, समझने वाले तो हंसेंगे ना। बाबा भी कहता है ख्याल में आने, संकल्प दुनिया में इसलिए कहते, बाबा ने हमको ये संगम युग में शिक्षा दी तो दुनिया में कह दिया, देते हैं तो दाएं हाथ को भी पता न चले, इसको कहेंगे देना। बस बाबा ने करा लिया, संकल्प भी नहीं चला। ये है फुल कमाई, उस आत्मा का कंप्लीट इन्वेस्टमेंट सत्युग का हो गया। अभी का तो आनंद मिला ही मिला और सत्युग में पूरा हो गया। तो ये है बाबा कहते, ये कभी भी ख्याल ही नहीं आना चाहिए कि हम शिव बाबा को देते हैं, भगवान को देते हैं। अरे तुम तो पद्मा पद्म पति बनते हो, देने का ख्याल आया तो क्या हुआ, ताकत कम हो जाएगी। एक बार सोचा, आनंद लिया ना, मैंने दिया मैंने दिया मैंने दिया, उतना आनंद ले लिया अभी तो वो आत्मा में बाद में के लिए इतना कोई जमा नहीं हुआ। इसलिए जैसे ही वो आनंद वो कंप्लीट हो जाता है ना उसका सोच सोच के, तो फिर वो आत्मा में वो ताकत ही नहीं होती ज्ञान सुनने की भी। ये भी हमने देखा, पूरा यूज कर लिया ना। इसलिए बाबा कहते हैं देने का, हाँ ताकत कम हो जाती है। मनुष्य ईश्वर और दान पुण्य करते हैं लेने के लिए, वह देना थोड़ी हुआ। हम क्या कर रहे हैं, हमारा इन्वेस्टमेंट कौन सा है, दे रहे हैं मतलब तन को सेवा में यूज किया, सत्युग में तन कैसे मिलेगा, मन को सेवा में यूज किया, धन को बाबा के कार्य में लगाया, सत्युग में क्या मिलेगा।
बाबा एक एक कौड़ी का मोहर बना रहा है, तो क्या मिलने वाला है? जन्मों तक ये भी नहीं, अभी भी और बाद। और दूसरा ये भी नहीं ख्याल आए कि मैंने इस बहन को दिया। क्यों? क्योंकि वो बहन तो मुहर नहीं बना सकेगी ना, तो वो भी लिमिटेड हुआ। बाबा को दिया, बाबा उस एक कौड़ी का मुहर बनाएगा, बहन को थोड़ी दिया। तो मैंने जो भी सेवा की बाबा के लिए, क्योंकि नहीं तो वो हिसाब किताब बनेगा और हमारा बढ़ेगा भी नहीं। इसलिए बाबा कहते हैं वह देना थोड़ी हुआ, मनुष्य ईश्वर अर्थ दान पुण्य करते हैं लेने के लिए, भगवान तो दाता है ना। दूसरे जन्म में कितना देते हैं यह भी ड्रामा में नोंद है। भक्ति मार्ग में है अल्पकाल का सुख, तुम बेहद के बाप से बेहद सुख का वर्षा पाते हो। अच्छा मीठे मीठे सीखी ल दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की, रूहानी रूहानी बच्चों बच्चों को को नमस्ते। नमस्ते, हम रूहानी हम बच्चों रूहानी मात पिता बाप को दादा को याद प्यार, याद प्यार, शुक्रिया बाबा, प्यारा नमस्ते। अच्छा बाबा, मिला थैंक वो यू दो बाबा। पॉइंट, हाँ माफ वाह, दो पॉइंट था, दो पॉइंट फाइंड आउट करने को बोला। हाँ हाँ पढ़ाई एक है से ना स्कॉलरशिप कहीं है, मिलती दिन है, भी मिस नहीं करना है। एक है एब्सेंट, किस बात पर पूरा ध्यान हो तो बुद्धि के कपाट खुल जाएंगे। तो दो तो था कि भगवान पढ़ाते हैं और एब्सेंट नहीं होना है, रेगुलर पढ़ना है। दो और पॉइंट था, जब तक जीना है अभी जीना है, पढ़ाई से मुरली ढूंढ स्कॉलरशिप कर मिलती है पढ़नी जी, चाहिए। हाँ जब तक एक जीना है वन एट अ अमृत टाइम, पीना है, जब तक जीना है अमृत पीना है। जब तक जीना है अमृत पीना है। और एक और दो बार बोला बाबा ने वो पॉइंट, वो हो गया। जब तक जीना है, जब तक बाप है, तब तक पढ़ाई है, और यहां वहां से बाप मुरली की ढूंढ कर मददगार पढ़नी बनो है, तो उठ नेगेटिव पढ़ नहीं पाएंगे। पाएंगे। उच्च पद मिलेगा, आपके दो बार बाबा ने क्लेम मददगार किया। पढ़ाई से स्कॉलरशिप प्राप्त होती हाँ वो भी राइट है, राइट है। है, ये सब भी राइट है। जो जिन्होंने राजू भाई ने ये सब और नहीं ऐड किया, बाकी है सब राइट। ये युद्ध का मैदान, नहीं, वो देना नहीं, हम पढ़ाई की बात चल रही है। रोज रोज नई नई पॉइंट समझाता है, पुरानी पॉइंट नहीं है, नई नई पॉइंट है। अच्छा ये भी बाबा ने बोला है, हमारे प्रदीप भाई कह रहे कुर्सियां लगाते रहना क्लास में, चाहे कोई आए ना आए। एक एक देवता का इमेजिन करते हैं ना कि देवता बैठा है। कल से आएंगे, अब कल से आएंगे। अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सार है, जब तक जीना है अमृत पीना है, शिक्षाओं को धारण करना है। भगवान पढ़ाते हैं इसलिए एक दिन भी मुरली मिस नहीं करनी है, एक दिन भी मुरली मिस नहीं करनी है। वरदान है प्रसन्नता की रूहानी पर्सनैलिटी द्वारा सर्व को अधिकारी बनाने वाले। दीदी एक और पॉइंट है इसमें, पद्मों की कमाई तुम्हारी। हाँ पद्मों की कमाई जमा करने के लिए निमित्त मात्र घर में रहते, कामकाज करते एक बाप की याद में रहना है। पद्मों की कमाई जमा करने के लिए निमित्त मात्र घर में रहते, कामकाज करते एक बाप की याद में रहना है। पॉइंट है निमित्त मात्र बाबा ने, हाँ
ये धारणा के लिए दो दूसरा मिस हो गया था। अच्छा, वरदान है प्रसन्नता की रूहानी पर्सनालिटी द्वारा सर्व को अधिकारी बनाने वाले गायन और पूजन योग्य भव। जो सर्व की संतुष्टता का सर्टिफिकेट लेते हैं वह सदा प्रसन्न रहते हैं, और इसी प्रसन्नता की रूहानी पर्सनालिटी के कारण नामी ग्रामी अर्थात गायन और पूजन योग्य बन जाते हैं। आप शुभचिंतक प्रसन्न चित्त रहने वाली आत्माओं द्वारा जो सर्व को खुशी की, सहारे की, हिम्मत के पंखों की, उमंग उत्साह की प्राप्ति होती है, यह प्राप्ति किसको अधिकारी बना देती है? कोई भगत बन जाती है। ओके, मतलब हम जो खुश रहते हैं तो एक होता है दूसरे को इंस्पिरेशन मिले और वो करने लगे, और एक है खाली तुम्हारा महिमा करेंगे, अरे अरे सचमुच तुम हमेशा बहुत खुश रहते हो, सच मुझे तुम बहुत अच्छे लगते हो। तो ये है, इसको बाबा कहते हैं, सुना शरद भाई, भगत बच्चे खाली महिमा करते हैं। भगत क्या करते हैं भाई, वैसे तुम भी करो ना, ये भगत बच्चे हैं। तो बाबा कहते हैं गायन और पूजन योग्य बनो। अच्छा, स्लोगन है, बाप से वरदान प्राप्त करने का सहज साधन है दिल का स्नेह। बाप से वरदान प्राप्त करने का सहज साधन है दिल का स्नेह। अब एक इशारे है, तो ये हमारे कर्मयोगी बनो, ये वाले है ना जून मास का। कर्मयोगी कर्म के भोग भोगने में अच्छे व बुरे में कर्म के वशीभूत नहीं हो। हाँ, सेकंड ही बोल रहे, सेकंड का है। कर्मयोगी नाम सिद्ध करता है कि योगी है, अर्थात निराकारी आत्मिक स्वरूप में स्थित होकर कर्म करने वाले हैं। जैसे कर्म के बिना एक सेकंड भी रह नहीं सकते, वैसे याद और योग के बिना भी एक सेकंड रह नहीं सकते। इसलिए कर्म के साथ योगी नाम तो साथ 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 ही है। जिस कर्म में इंटीग्रेशन ऑफ बाबा श्रीमत है, चाहे वो याद है, चाहे वो शिक्षाएं है, चाहे गुण है, चाहे शक्तियां है, वो है कर्म योगी। तीसरा है, सिर्फ कर्म करने वाले योगी नहीं है, वर्क इज वर्शिप नहीं है, वर्क ओनली वर्क इज वर्शिप नहीं है, वो वॉरशिप है। वो ही होता है ना, वर्क प्लस योग इज वर्शिप, राइट है ना ये। जैसे कर्म स्वतः ही चलते रहते हैं, कर्मेंद्रियों को नेचुरल अभ्यास है, ऐसे ही बुद्धि को याद का नेचुरल अभ्यास होना चाहिए। इन कर्मेंद्रियों का आदि अनादि अपना अपना कार्य है। हाथ को हिलाने व पांव को चलाने में कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती है। उसी प्रमाण ब्राह्मण जीवन का तथा इस संगमयुगी जीवन में बुद्धि का निजी कार्य व जन्म का कार्य बाप के याद करना है। जीवन का जो निजी कार्य होता है वो नेचुरल और सहज ही होता है, तो अपने को सहज कर्मयोगी अनुभव करो। ये पूरा इस महीने का है कर्मयोगी का, बहुत अच्छा हमारा इजी हो जाएगा क्योंकि कर्म तो कर ही रहे हैं, इंटीग्रेशन है बाबा की याद, स्वमान, जिस कर्म में मेरे को बहुत स्वमान की फीलिंग हो, तो ऐसे। वैसे हम इसका एक अच्छा अपना चार्ट भी बना सकते हैं, मम्मा डी भी आ रहा है ना, वह ये भी हो जाएगा, अवेक इशारा और अटेंशन भी रहेगा कर्मयोगी का। ठीक है, ओके जी।